इसकी तबीयत खराब हो गई खटक पाए। तो अब हम इधर एक शॉप पे आ गए हुसैनी ब्रिज में, तो इसकी एक कहानी है जो कि हम अंकल से सुनेंगे। नीचे हुसैनी ब्रिज पे आ गए, इधर हमारे साथ कुछ अजीब सीन हो गया। तीन टाइम में इसके कलर चेंज होते हैं, विंटर में ब्लैक होते हैं और उसके बाद ये ब्राउन होते हैं, अभी व्हाइट में। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी थ्री डॉक्टर्स। आज एक नए दिन के शुरुआत के साथ हम अभी निकल रहे हैं हुंजरा पास के लिए, और रास्ते में आताबाद लेक वगैरह, हुसैनी ब्रिज ये कवर करेंगे। तो ये अभी हम निकल आए करीमाबाद से, जा रहे हैं हुंजरा पास जा रहे हैं। तो अभी ये मेन के एच से हम होके जा रहे हैं, तो आगे जाके शायद आताबाद पे रुक जाए या वापसी में आताबाद पे रुक जाए, तो देखते हैं कि उस हिसाब से। मौसम भी आज थोड़ा बादल आए हुए ख़राब सा है। तो ये अब हम आ गए आताबाद लेक, ये उसके करीमाबाद और हुंजराब के रास्ते में, करीमाबाद के बहुत करीब है। तो अब आगे जाते हैं, इसकी व्यू भी दिखाते हैं। अभी हम हुसैनी ब्रिज पहुंच गए। सिराज भाई, इसकी क्या कहानी है? बहुत पुरानी ब्रिज है। अच्छा अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप दरमियान में खाली है, सिर्फ पांव टू पांव इधर नीचे वो डले हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो खतरनाक तो नहीं है? कैसे है कहीं ऐसे ना बहुत हाँ आप देखेंगे ना बिल्कुल नहीं गिर ना जाए फिर। बहुत खतरनाक है, गिरने के चांसेस है। किधर? हुसैनी ब्रिज पे। टांगे लंबी है। तो चलो आगे जाते हैं। इधर से हम ये रोड पे गाड़ी पार्क की और अभी थोड़ा सा वॉक करके इधर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है आगे, तो आगे आपको लेके चलते हैं। इधर नीचे हुसैनी ब्रिज पे आ गए, इधर हमारे साथ कुछ अजीब सीन हो गया। हम पूरा रास्ता सोच रहे थे कि हम किसी तरह गिलगिती बन जाए ना, ये कह रहे कि जो लोकल्स हैं उनके लिए कोई एंट्री कुछ भी नहीं है ना। आला जिक बिल्ला, ये चीजें सब कुछ कसा ना ये सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखने के बाद इधर आ गए। तो ये ब्रिज के सूरत हाल देखे, ब्रिज का ये हाल हुआ है। ये सारे जो इसके स्टेयर्स के जो हैं वो सारे टूट गए, और नहीं नॉर्मली ये होता था कि इधर से आप जाते थे और सारा ये ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ पे जाते थे। तो एक बीच में से एक वो बहुत मज़े का पानी बह रहा था, बहुत अच्छा था। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, अब एक दो पिक्चर ही ले लेते हैं और तो कुछ भी नहीं हो रहा। टूटे हुए दिल के साथ। उबैद भाई, हमने बस इस पुल की वजह से हमने बहुत सी गिलगिती जुबान सीख ली ना, जैसे शुशो मेरी सीख लिया ना, कजनो इधर मतलब जो भी गिलगिती हो ना इधर उसको कजनो बोलते हैं ना। ठीक है। तो अब हम इधर एक शॉप पे आ गए हुसैनी ब्रिज में, तो इसकी एक कहानी है जो कि हम अंकल से सुनेंगे इंशाल्लाह। ये क्या कहानी है इसकी?
कहानी ये कस्टमर की यादें हैं। अच्छा 2017 में इस रोग से शुरू हुआ था। अच्छा ऑस्ट्रेलिया की खातून थी ना, चाय का कप बना के इधर छोटा सा शेल्फ पे रखा था। अच्छा अच्छा इसी को देखते हुए कल का है। अच्छा अच्छा हांगकांग डॉलर, ये कल का है। अच्छा अच्छा ये बाय डेट यहाँ पे लॉन्ग लाइफ के लिए प्रिजर्वर है, जब भी ये कस्टमर आएंगे मस्ट बी अवेलेबल हियर, क्योंकि इन्होंने अमानत पे मुझे 1000 रुपये फीस दिया हुआ। अच्छा अच्छा और इन यादों को एज ए म्यूजियम के नाम पे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराया गया है। याद गार, याद मीन्स मेमोरी है और गार पत्थर को कहा जाता है। अच्छा हमारे जबान में। उबैद भाई जी, आपने कुछ यादें यहाँ छोड़नी है यार? चिक वाला सही, मुझे सही आ रहा है। चिक वाला सिस्टम ठीक है ना, यादी भी याद ही रह जाएगा। और नहीं, आप एक काम करो, आप एक फाइल इधर रखो किंगडम पे लिखी है कौन सी? जिशान भाई तो पता नहीं, कोई पत्थर आ रहा है। किसकी याद छोड़ूं? जिशान भाई याद छोड़ूं? यार याद क्या, याद तो बहुत सारी होती है। याद तो बहुत सारी होती है, एनाटॉमी की याद होती है, फिजियोलॉजी की याद होती है, बायोकेम की याद होती है, फार्मा की याद होती है, पेथो की याद होती है, पशुओं की यादें हैं। क्लियरली आपके सामने, ये मैंने आपको सामने ये बोला, वाइफ के नाम पे ये लॉन्ग लाइफ के लिए प्रिजर्व किया हुआ है। और नहीं, बात ये है ना, बात ये है कि ये मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट की बीवी भी किताबें, सब कुछ किताबें ही होती है, यादें, मशूक, सब कुछ किताबें। तो वही किताबों के नाम पूछ रहे हो कि कौन से किताब के नाम? ये कह रहा हूं कि पहले रिजल्ट आ जाए तो फिर फार्मा के लिए छोड़ के जाऊंगा। ईद के बाद फिर आने मैंने तो इंशाल्लाह छोड़ के जाऊंगा। तो ये अब हम पासो कॉन्स आ गए, लेकिन यहाँ पे भी ऊपर पहाड़ के ऊपर बर्फ है और बादल है, तो क्लियर नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो अभी तक तो काम खराब ही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है, या वापसी में अगर मौसम क्लियर हुआ तो वापसी में देख लेंगे इंशाल्लाह। सर ये जो है ये आइबेक्स है, इसको उर्दू में किल कहते हैं। ये गुजरात नेशनल पार्क है, इधर चीता भी है, बेडिया भी है, रीच भी है, मार्क ब्लू शीप भी है, ब्लू शीप भी है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है इसमें। अच्छा, फिर परिंदे हैं, काफ है, बाज है, इसी तरह शाहीन। अच्छा ये जो अभी आप सामने नजर आ रहे हैं ये एपेक्स है, आइबेक्स है। एपेक्स या आइबेक्स? आइबेक्स, आइबेक्स। दोपहर को सोते हैं ना ये। अच्छा, सुबह और शाम को घास खाते हैं, दोपहर को तो लिक्स खाते हैं, रात को फिर चीते के डर से ये लोग सोते नहीं। अच्छा 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 अच्छा। और इनके खासियत क्या है ये जो एबेक्स है? ये 3 टाइम में इसके कलर चेंज होते हैं, विंटर में ब्लैक होते हैं और उसके बाद ये ब्राउन होते हैं, अभी वाइट में चेंज हुआ है। अच्छा, ये अभी इस सीजन में वाइट होते हैं? वाइट होते हैं इसके कलर। अच्छा अच्छा अच्छा। सामने आप लोगों को अगर ग्रिल नज़र आ रहा है, ये इस साइड पे पाकिस्तान है और उस साइड पे चाइना है, ये चाइना पाकिस्तान बॉर्डर है, उस साइड पे सारा चाइना है और इस साइड पे पाकिस्तान है, बीच में ये पहाड़ देखिए बॉर्डर पे बना हुआ है। ये अभी हम आ गए चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, जिसको पंजराब पास भी कहते हैं। फाइनली हुजराब पास आ गए और यहाँ पे किस्मत इतनी अच्छी थी कि स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई। और ये बाकी जो है, बाकी ये है अच्छी इसलिए क्योंकि जब स्नोफॉल नीचे स्टार्ट हो जाए तो फिर वो एंटर होने नहीं दे रहे। अभी ये हम ऊपर आ गए और यहाँ पे स्टार्ट हो गई, तो हम एंटर हो चुके हैं और इधर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई।
तो ये हंजराब पास में हमने अभी पिक्चर वगैरह ले लिए, लेकिन इतनी सख्त सर्दी है कि ये मेरा फेस सारा और हाथ बिल्कुल कांप रहे हैं। बहुत मुश्किल से मोबाइल को होल्ड किया है और बहुत बहुत सख्त सर्दी है, कुछ कह नहीं सकता कि, और ऊपर से बर्फ़ भी हो रही है और इधर तकरीबन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होता है जिसकी वजह से वो नहीं ले सकते ना। तो हमने तकरीबन 10-15 मिनट इधर रुके, अभी निकल रहे हैं क्योंकि इधर फिर आगे तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये था हंजराब पास, व्यू तो बहुत मज़े का है और बहुत ही अच्छा है। मोबाइल मुझसे गिर रहा है, जल्दी जल्दी बोलो, मोबाइल गिर रहा है। स्नोफॉल भी हो रहा है और इधर मजीद देखो उसने कहा कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग्स हो रही है। और मैंने मोबाइल होल्ड किया एक हाथ तो तक किया, दूसरे हाथ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई ग्लव्स व्लव्स नहीं पहने, कुछ भी नहीं पहने। तो स्नोफॉल हो रहा है और ये देखो बाइकों वाले सारे निकल रहे हैं ना। A few moments later, इसकी तबीयत खराब हो गई। खटक पाए खटक पाए, क्या हो गया तबीयत खराब।